और अब बात करते हैं मेरठ की, जहां गंदगी से परेशान लोगों ने मजबूरन सड़क को जाम कर दिया और अपनी मांग उठाई। एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत बनाने में लगे, लेकिन मेरठ नगर निगम उनके इस मिशन को पलीता लगाती नजर आ रही है। नगर निगम की लापरवाही के कारण पूरे मोहल्ले के नाले नालियों में गंदगी है। गंदगी से परेशान होकर लोगों ने रोड को जाम कर अपनी मांग उठाई। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश महासचिव मनविंदर सूद वाल्मीकि के नेतृत्व में इविस चौराहे पर पूर्व इलियान वार्ड नंबर 37 के लोगों ने रोड को जाम करके अपनी मांग उठाई है। जहां मनविंदर सूद वाल्मीकि ने बताया कि हम लोगों ने नगर निगम को कितनी बार यहां की शिकायत की है। मैं इधर से गुजर रहा था, देखा कुछ लोग इकट्ठे थे, रोड रोके थे। इन्होंने बताया कि इनके यहाँ अंदर जो नाला आता है बाहर, उसमें पीछे से गोबर वगैरह आता है, उसमें जाम लगा हुआ है, जिस कारण से पीछे पानी भर जाता है। अभी भी पानी जो है इतना इतना भरा हुआ है, तीन तीन चार चार सड़क पे, जब बरसात होगी तो ज़्यादा भर जाता होगा। तो ये समस्या है इसकी, तो हम इनको आश्वासन दिए हैं कि हम इनको बुलाएंगे, अभी नगर निगम को बुलाते हैं, उनके जो भी अधिकारी होंगे, इंजीनियर होंगे, उसको आज ही कार्रवाई शुरू कराएंगे, जिससे इसकी समस्या पैदा ना हो कि हमारे क्षेत्र के नालों की साफ सफाई की जाए। लेकिन नगर निगम का कोई भी कर्मचारी यहां आकर साफ सफाई नहीं करता, जिस कारण नालों में गंदगी भरी हुई है और नालों का गंदा पानी हमारे घर में घुसने को तैयार है। आगे मानसून आने वाला है, मानसून में बारिश होते ही यह पानी हमारे घरों के अंदर घुसा होगा। एक तरफ तो कोरोना महामारी चल रही है और दूसरी तरफ यह गंदगी से दूसरी बीमारी फैलाने का नगर निगम काम कर रहा है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत बनाओ, लेकिन इस गंदगी के अंबार में कैसे हमारा भारत स्वस्थ रहेगा और स्वच्छ बनेगा। गंदगी से परेशान होकर हम लोगों ने अपनी मांग को लेकर आज इविस चौराहे पर जाम लगाया, जहां सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे सिविल लाइन CO संजीव देशवाल पहुंचे और उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा और नगर निगम अधिकारी और इंजीनियर से बात की जाएगी। दबारा टाइम्स के लिए मेरठ से सोनू की रिपोर्ट। क्या परेशानी, क्या समस्या है जिसको लेकर आज आपने यहाँ प्रदर्शन कर रोड को बंद किया? देखिए, काफ़ी समय से पूर्वा हिरान क्षेत्र के अंदर वार्ड 37 के अंदर हम लोग रेगुलर नगर निगम को चेताने का काम कर रहे हैं और जितनी जल भराव की स्थिति आपके सामने आपने देखा है, काफ़ी समय से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ना तो नगर निगम सुनने को तैयार है, ना कोई अधिकारी देखने के लिए तैयार है। और यहाँ की दिशा आपके सामने, जैसी कोरोना महामारी जैसी बीमारी के अंदर भी हम लोग जिस तरीके का आज यहाँ झेल रहे हैं, आपने स्वयं देखा। जब हम लोग ज़्यादा परेशान हुए तो हम लोगों ने एक अपना माध्यम ये रखा कि हम लोग रास्ता जाम करके कम से कम पुलिस प्रशासन आए और वो देखे कि क्या स्थिति है इस कुरवा ईरान क्षेत्र की, किस तरीके से जल भराव की स्थिति है, किस तरीके से यहाँ का लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आज हम लोगों ने करा तो CO साहब आए, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम लोग इसको खुलवाने का काम करेंगे।